9 टिप्स टू गेट हाईएस्ट मार्क्स इन एमडीकेट। हर किसी का ख्वाब होता है कि हम ये वाइट एप्रन पहने, हम डॉक्टर बने। हर किसी का ये ख्वाब होता है हम अच्छी मार्क्स लेके हमारा सिलेक्शन हो जाए। आज मैं टिप्स बताती हूँ। बहुत टेंशन होगी, जैसे जैसे वक्त करीब आएगा आपकी टेंशन बढ़ेगी, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, जो कुछ आपने पढ़ा होगा वो भी भूल रहे होंगे। लेकिन याद रखें, टेंशन नहीं लें, जो भी आपने पढ़ा है उस पर फोकस करें। मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ, उस पर आप ज़रूर अमल करें, ज़रूर बताती हूँ। नंबर 1, डिटर्मिनेशन एंड फोकस आर द कीज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप जो पढ़ रहे हैं थोड़ा ही पढ़ रहे हैं आपको याद हो। नंबर 2, कीप पीएमसी सिलेबस विथ यू। आपको पता है अब तो सिलेबस आ गया है, आप उसको फोटोकॉपी करवा के अपने साथ रखें, उसको वन बाय वन कवर करें। फुल सिलेबस आपका कवर होना चाहिए। सेट योर टाइम टेबल एंड फॉलो इट। आप डेली रूटीन बेस पे टाइम टेबल बनाएं, उसको फॉलो करें कि आपको कब स्टडी करनी है, कब क्या करना है। रूल नंबर 4, सीक प्रॉपर गाइडेंस। जिससे भी आपको गाइडेंस मिल रही है, जो ट्रिक्स मिल रही हैं, जो आपको सोल्यूशन मिल रहे हैं, वो सब आप सीख कर लें। नंबर 5, स्ट्रेथन योर वीक पॉइंट्स। किसी के किस सब्जेक्ट्स में वीक पॉइंट्स होती हैं, आप उसको स्ट्रेथन करें, उसको डेवलप करें। नंबर 6, पार्टिसिपेंट इन एमडीकेट टेस्ट। जो भी टेस्ट हो रहे हैं, सैम्पल टेस्ट हो रहे हैं, मॉक टेस्ट हो रहे हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट करें। नंबर 7, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आपको एमसीक्यूज पे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस होने चाहिए। आप स्ट्रेटजी फॉलो करें कि आपको कैसे एमसीक्यू सॉल्व करने, जो आपको पोर्शन पहले इजी करें, गो थ्रू दैट। ट्रिक्स आपको आनी चाहिए कि आपको प्रॉपरली प्रॉब्लम्स और रीजनिंग है उसके लिए आपको ट्रिक्स नेसेसरी हैं। एनी काइंड ऑफ हेल्प चाहिए आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे।